जो इच्छा करी हो मनमाही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाई, पर आपने बेच दिया अपने भजन को। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज गुरुजी हमें बताएंगे कि भजन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम ऐसा क्या भजन करें या कैसे करें कि हम जो सोचते हैं वही हो, ये किस प्रकार हो सकता है। चलिए सुनते हैं स्वयं गुरुजी से। जहां ऊंचे भाव की प्राप्ति के लिए हमको एक एक भजन संभाल कर रखना है, एक एक नाम, एक एक वृत्ति संभाल कर रखनी है, वहां हम अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी अनुकूलता के लिए, किसी शत्रु पक्ष के नाश के लिए हम भजन का प्रयोग ना करें। हो जाएगा, आप भजन कर रहे हो उसका अहित सोचोगे, हो जाएगा, क्योंकि आप में पावर है। लेकिन वो भजन की ऊर्जा शक्ति किस लिए आपने संचय की है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आप भजन कर रहे हैं, कामना करोगे, अनुकूलता की मांग करोगे, हो जाएगा। जो इच्छा करी हो मनमाही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाई, पर आपने बेच दिया अपने भजन को। फिर आपके पास रह क्या गया? फिर आपको क्या ब्रह्म संस्पर्श, क्या एकांतिक महासुख, इसकी कल्पना भी नहीं होगी आपको कि ऐसा क्या होता है ब्रह्म संस्पर्श में, ऐसा क्या होता है उस आत्यंतिक सुख में, क्योंकि आप जो साधन कर रहे हैं उसे आप बेच रहे हैं, उसे आप नष्ट कर रहे हैं। संभालिए अपने साधन को। हमें अपने भजन शक्ति की, ऊर्जा शक्ति की रक्षा स्वयं करनी है। क्या? किसी का अहित नहीं, किसी का अमंगल नहीं, किसी का बुरा नहीं, ना करना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है। दूसरी बात, अपनी कामना की पूर्ति, अपनी अनुकूलता की मांग मुझे नहीं करनी है, मुझे अपना भजन नहीं बेचना है। अब क्या होगा? आपका आराध्य देव सब संभाल लेगा आपको कुछ करने की। आप कामना करेंगे तो आप अपने भजन के ठेकेदार बन गए, और आप प्रभु के आश्रित हैं तो उन्होंने आपके भजन को सुरक्षित भागवतिक बैंक में जमा कर दिया। अब व्यवस्था सरकारी आपकी होगी, समझिए, सरकारी व्यवस्था है उसमें। जब तक आप ठीक से भगवद आश्रय नहीं लेते तो इस संसार को तुम ऐसा समझो जैसे वो मॉल कहते हैं, मॉल जिसमें वो टोकरी में सामान रखा जाता है, क्या कहते हैं, मॉल है, हाँ, वो ऐसी दुकान जहां जो मनावे से उठा के अपनी टोकरी में डाल लो, फ्री नहीं है, वहां तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, महंगी से महंगी डाल लो, हिसाब वहां पर होगा, और हिसाब नहीं तो सामान छीन ली जाएगी, धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा। ये संसार में ऐसा मत समझना कि हर चीज फ्री है, हिसाब देना होगा सबका। हाँ, अगर सरकारी पास हो गया है फिर कोई बात नहीं, सरकारी पास मन वचन कर्म से प्रभु के अधीन होकर सारी चेष्टाएं अपने प्रभु के लिए करता है, अब उसका भरण पोषण सरकारी हिसाब से होगा, वो भागवती हिसाब, उसको ये नहीं कि अब उसको उसका भजन कटेगा, नहीं, वो सरकारी हिसाब है, अब वो भागवतिक हिसाब से चलता है। तो उपासक पूर्ण समर्पण होने तक ये सावधान रहे कि अपने भजन को खर्चा ना करे, बेचे ना। दो बातें, खर्चा होता है दूसरे का अनिष्ट अमंगल करने पर, और बेचना होता है अनुकूलता लेने पर, कामनाओं की पूर्ति पर। बहुत सुंदर बात। अगर आपको भजन साधन करने पर आनंद की अनुभूति नहीं हो रही तो आप अपने भजन को खर्चा कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बंद करो ये खर्चा करना और बेचना। आप भजन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सोचे ऐसा ऐसा, वो आपका भजन जा रहा है। आप भजन कर रहे हैं, दैन्य होकर मांग रहे हैं ये अनुकूलता मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये समस्या हट जाए। आप अपने भजन का ऐसे प्रयोग क्यों कर रहे हैं? जहां अनुकूलता के लिए भजन होता है वहां हम अपने शब्द में कह सकते हैं कि पाप रुकता नहीं है,
वहां फिर पाप होना शुरू हो जाता है। हम भजन तो करें प्रभु का और मांग करें अनुकूलता की, तो लक्ष्य क्या हुआ? अनुकूलता हुई ना। हम भजन करें प्रभु का और मांग करें भजन में डूबने की, कि अभी भजन तो क्रिया हो रही है। ऐसा समय कब आएगा जब ये भजन डूब करके होगा? डूब कर कोई बाह्य स्मृति नहीं, रूप छके घूमत रहें तन को तनिक न भार, यह डूबना। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दर्श मधुकरी छके रहत दिन रैन, यह डूबना। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही गुरु जी के और सुंदर प्रवचनों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। राधे राधे।